आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ द अमाउंट दैट यू नीड टू स्टडी एमबीबीएस, एमबीबीएस में मंथली खर्चा कितना होता है, हॉस्टल फीस कितना होता है, कॉलेज फीस कितना होता है, इन सारे डिटेल्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। बाय द वे दिस इज देवांकु चक्रवर्ती, करंटली सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट आरजी कॉर मेडिकल कॉलेज कोलकाता। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें अबाउट द कॉलेज फीस, सो कॉलेज फीस यहाँ पे वेस्ट बंगाल के मेडिकल कॉलेजेस में अराउंड 45,000 फॉर द एंटायर 4.5 ईयर्स ड्यूरेशन। मतलब एमबीबीएस का जो कोर्स होता है इट्स 4.5 ईयर्स प्लस 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। अब इस इंटर्नशिप पे तुमको एक स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है। अब बाकी के जो रिमेनिंग पहले वाले 4.5 ईयर्स है उसमें तुमको सेमिस्टर वाइज एक फी पे करना पड़ता है जिसका टोटल एकदम पूरा फीस आता है 45,000, ठीक है। इसके अलावा एडमिशन के टाइम पे तुमको 1,000 रुपीज़ का एक अमाउंट सबमिट करना पड़ता है जो कि एडमिशन फीस के तौर पर लिया जाता है। इसके अलावा कॉलेज में एक और फीस तुमको देना पड़ता है, दैट्स द एग्जाम फीस। एग्जाम फी मतलब ईयर में एक यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट होता है और उस यूनिवर्सिटी एग्जाम में तुमको 1,000 रुपीज़ का अमाउंट हर साल पे करना पड़ता है, ठीक है। अब ये मैं 2022 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, हो सकता है कि आगे जाके ये चेंज हो जाए, तो ये वैल्यू अप एंड डाउन कर सकता है और ये कॉलेज टू कॉलेज वैरी करता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें अबाउट द हॉस्टल फीस, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल हॉस्टल का रेट है दैट्स 12 रुपीज़ पर मंथ। हाँ तुमने सही सुना, इट्स ओनली 12 रुपीज़ पर मंथ। तो इससे तुमको वन मंथ का एक गवर्नमेंट हॉस्टल मिल जाता है, मतलब कॉलेज के अंदर या कॉलेज के रेडियस में तुमको एक हॉस्टल यहाँ पे अलॉट होता है। अब जिन लोगों को हॉस्टल यहाँ पे नहीं मिलता, जो सारे कोलकाता के मेडिकल कॉलेजेस हैं, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कई लोगों को हॉस्टल नहीं मिला है। स्टूडेंट्स को हो सकता है कि एट टाइम्स पीजी लेना पड़े, तो पीजी का जो खर्चा है उसको लेकर भी आज हम बात करेंगे। सो यहाँ पे 4.5K से लेके 5K में तुमको यहाँ पे एवरेज पीजी के रूम्स मिल जाएंगे और ये रेट भी अप एंड डाउन है, तुमको खुद जाके यहाँ पे रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या पीजी के रेट्स हैं। 4,000 से लेके 5,000 तुम यहाँ पे एक एवरेज रेट लगा सकते हो। वीकली खर्चा यहाँ पे तुम्हारा होता है, तो ये कितना होता है, सो इट्स अराउंड 1,000 to 1.5,000 पर वीक। इसको मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, सो जो मतलब कॉलेज में जो कैंटीन्स है उसका जो एवरेज मील का रेट है दैट्स अराउंड 50 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे तुम अगर दिन के दो मील्स लगा लो तो बन गया 100 रुपीज़, 30 रुपीज़ फॉर द ब्रेकफास्ट और एक 30 या 20 रुपीज़ फॉर द स्नैक्स। तो ये तुम्हारा अराउंड डेली 200 रुपये में तुम्हारा चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जो पढ़ाई के दौरान जो तुम्हारा रिक्वायरमेंट होगा क्या क्या होगा, सो रिक्वायरमेंट में प्राइमरी आता है बुक्स। हर साल तुमको नए सब्जेक्ट्स के लिए किताब खरीदने पड़ेंगे और इसका एवरेज तुम हर साल का 5K मान के चल सकते हो। 5K तुमको मतलब 5,000 रुपये तुमको हर साल यहाँ पे खर्च होगा किताब खरीदने के लिए। और फर्स्ट ईयर में जब तुम आओगे तुमको एक बोन सेट का रिक्वायरमेंट होगा। आप यूनिलैटरल बोन सेट अराउंड 15-16,000 में तुमको मिल जाएगा और बाईलैटरल अराउंड 25-26,000। तो ऐसे रेट्स हैं और ये रेट यार तुमको मतलब एट वन टाइम देना पड़ेगा, अगले साल तुम इसको सेल ऑफ कर दोगे टू योर इमीडिएट जूनियर, तो ये मतलब रिटर्नेबल है। सो बुक्स हो गया 5,000 पर मंथ, बोन सेट यहाँ पे तुम्हारा हो गया, सॉरी तो यहाँ पे तुम्हारा बुक्स हो गया 5K पर ईयर और बोन सेट का तुम्हारा एक रिफंडेबल अमाउंट यहाँ पे तुम्हारा होगा। अब बात करते हैं कोई भी सब्सक्रिप्शन, अगर तुम कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो दैट्स अकॉर्डिंग टू यू। बहुत सारे कंपनीज यहाँ पे अवेलेबल है, तुम किसी का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने अभी प्रेप लेटर कर लिया था तो मेरा अराउंड कितना पड़ा, साल भर में अराउंड 8,000 रुपये का पड़ा था। सो कुछ इस तरीके के रेट्स है। इसके बाद कोई स्टेथोस्कोप या स्पिग्मोमैनोमीटर अगर तुम खरीदते हो तो दैट्स अकॉर्डिंग टू योर ओन विश कौन से कंपनी का तुम खरीदते हो। सो बेसिकली यार सारे एक्सपेंसेस जो है तुम्हारे मेडिकल कॉलेज में मैंने कोशिश किया है कि इस वीडियो में कवर कर देने को, ताकि तुमको एक अंदाज़ा मिल जाए कि MBBS में कितना खर्चा हो सकता है। और एक कॉमन मिथ है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है MBBS में, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है। सो आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में जाके बताओ, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई टू दैट। तो चलो यार आज के लिए यही तक, मिलता है बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।